अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स परिसर में कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए आयुष भवन में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर का बुधवार को पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने निरीक्षण किया। सेंटर पर 18 वर्ष और 45 वर्ष के ऊपर के लोगों का तत्काल रजिस्ट्रेशन करवाकर टीकाकरण करवाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर, डिप्टी डायरेक्टर अश्वनी माहौर एवं वरिष्ठ चिकित्सा और भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने वैक्सीनेशन के बूथ पर पहुंचकर वैक्सीनेशन कार्य को देखने के साथ ही लोगों से बात करते हुए वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी ली। इस संबंध में राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि एम्स प्रशासन ने वैक्सीनेशन के लिए बेहतर इंतजाम किए हैं। खास बात यह है कि यहाँ वैक्सीनेशन कराने आने वाले को एम्स के डॉक्टर और नर्सों द्वारा वैक्सीन के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोगों को आगे आकर कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन लगवाना चाहिए। वैक्सीनेशन उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है जो कोरोना वायरस से बचा सकती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, वो तो यहाँ पे उनके ऑलरेडी नंबर लग गए और जो तुरंत आ जा रहा है ये हमको भी लगवाना है। सबके लिए मुक्त हो गए ना, तीन व्यवस्था है जिससे किसी को परेशानी ना हो। लगाने के लिए तो उनके साथ जो आते हैं वो यहाँ पे आइए। आगे आपको किसी को लग रहा हो तो प्लीज। अरे भाई सब लोग वो कहाँ कराने वाले बता दिया कि ये अभी बता आधे घंटे बैठना है इनको। नहीं नहीं अब बैठने का नहीं, बैठने का नहीं। कोविशील्ड वैक्सीन लगी है 84 से 112 दिन के अंदर आपको दूसरी डोज लगेगी। अगर आपको बुखार आता है 85 से 150 आपको इंजेक्शन लग रहा है मैडम। आपको कोविशील्ड वैक्सीन लगी है 11 दिन के अंदर फर्स्ट डोज है ना। और हस्बैंड क्या करते हैं? महिंद्रा अपना फर्स्ट डोज लगो दूसरे पीछे। चलो चलो
ठीक सही सही नहीं आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। देखिए मैं वैक्सीनेशन सेंटर का जो व्यवस्था निरीक्षण किया हूँ, मुझे लगता है कि एम्स का ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। और हमारे साथ यहाँ की सम्मानित डायरेक्टर भी हैं, और जिस प्रकार से देख करके हमको लगा कि सुरेखा जी ने व्यवस्थित ढंग से इसका प्रबंधन किया है, अपने डॉक्टरों को इसी तरह से लगाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी चूँकि वैक्सीनेशन को मुफ्त लगवा रहे हैं और हर महीने का टारगेट तय कर दिया गया है कि किस महीने का कितना, किस महीने का कितना, उसके बाद भी यहाँ डॉक्टर्स वर्क कर रहे हैं, उनको इंजेक्ट करने के बाद एजुकेट भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि कैसे वो हो, कितने दिन बाद फिर लगाना है ये भी बता रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्था जो है हो रही है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है यहाँ के सेंटर को देखने के बाद। जी कुछ लोग वैक्सीनेशन के लिए नहीं आगे आ रहे हैं और सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी है, ऑन स्पॉट भी कर दी है, उनके लिए क्या क्या है? नहीं देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि सभी लोगों को आकर के अपना वैक्सीनेशन कराना चाहिए। वैक्सीनेशन उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तीसरी लहर आ जाए, तीसरी लहर आई तो उसके लिए सबसे उपयोगी है इस वैक्सीनेशन के द्वारा उनकी सुरक्षा हो सकेगी। दिन रात डॉक्टर इसके लिए लगे हुए हैं, पूरा का पूरी सरकार लगी हुई है, प्रधानमंत्री लगे हुए, देश का मुख्यमंत्री लगा हुआ है, प्रदेश का सब कुछ लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को स्वयं सोचना चाहिए कि आकर के अपने स्वास्थ्य का, अपने सुरक्षित रहेंगे तो दूसरे को सुरक्षित रहेंगे, अपने असुरक्षित रहेंगे तो पूरे परिवार को असुरक्षित कर डालेंगे। इस नाते को जरूर लगवाना चाहिए।